अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईट एंड ट्रैवल। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है वेजिटेबल कबाब, जिनको बनाना नहायत ही आसान और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे कद्दूकस की हुई गाजर 2 कप, बारीक कटी हुई बंद गोभी 1 कप, उबले हुए मटर 1/2 कप, चिकन की यखनी 1/2 कप। फिर हम इन सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, यहाँ तक कि इनका पानी खुश्क हो जाए। अब एक पैन में शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। इनको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 1/4 कप मैदा। इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, यहाँ तक कि हल्की सी खुशबू आ जाए। फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबलस्पून, भुना ज़ीरा 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये शामिल कर लें। फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज। फिर हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 अदद आलू, जिनको मैंने उबाल कर मैश कर लिया था। शामिल कर रही हूँ पहले से तैयार की हुई सब्जियाँ, हरा धनिया हसबे ज़रूरत। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मसाला तैयार कर लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और तैयारशुदा मसाले की टिकियां बना लें। मैं इनको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ बगैर किसी कोटिंग के। अगर आप चाहें तो इनको अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। एक पैन में ऑयल गरम कर लें और इसमें कबाब डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लें। हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि सब्जियां पहले से पकी हुई हैं, तो इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मज़ेदार कलरफुल कबाब तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।